हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग बात करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में कौन कौन से टर्म डैट मीन्स डिफाइन किए गए हैं, वो सारा डिटेल आज हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चे इसमें ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उनका इंसॉल्वेंसी अकाउंट में स्टेटमेंट अफेयर्स नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनका टर्म ही नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम लोग एक एक टर्म को समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में सारा फॉर्मेट दे दिया था कि स्टेटमेंट अफेयर्स में डैट मीन्स ए टू लिस्ट में क्या क्या टर्म जाते हैं, लेकिन आज उस टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि स्टेटमेंट अफेयर जब बनाते हैं तो उसमें से लिस्ट ए से लेकर लिस्ट एच तक सारे टर्म को दिखाए गए हैं। तो एक एक लिस्ट में, लिस्ट ए में कौन से टर्म जाएंगे, लिस्ट बी में क्या है, लिस्ट सी क्या है, लिस्ट डी में कौन कौन से हैं, लिस्ट ई में क्या टर्म दिखाए जाएंगे, लिस्ट एफ में क्या होता है, लिस्ट जी में क्या होता है, लिस्ट एच में क्या होता है, सारे टर्म को आज हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए आज का सेशन बहुत ही खास बनने जा रहा है। ठीक है, तो बेटा जैसे लायबिलिटी साइड, हम लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट अफेयर में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। ओके, तो बेटा हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड में डैट मीन्स लायबिलिटी है और राइट साइड में क्या है, एसेट्स है। तो हम लोग सबसे पहले लायबिलिटी साइड का एक्सप्लेन करेंगे कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है। इसे ध्यान से देखना और इसे आप नोट्स बनाना, नोट्स बनाते जाना। इससे क्या होगा कि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप नोट्स को देखते रहोगे या समझते रहोगे तो आपका क्वेश्चंस को बनाने में डैट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहला लिस्ट ए। जब भी अगर हम लोग स्टेटमेंट अफेयर्स बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले लिस्ट ए दिखाते हैं। और लिस्ट ए में क्या होता है बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। अनसिक्योर्ड, जैसे पहली बात हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड, तो अनसिक्योर्ड नहीं जैसे बोलचाल में भाषा अनसिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो मतलब तुम्हारा सेफ्टी नहीं है, तुम सिक्योर्ड नहीं हो, तुम डैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, तुम्हारे पास सिक्योरिटी नहीं है, उसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। तो अगर हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करते हैं तो ऐसा क्रेडिटर जिसका कोई सिक्योरिटी ना हो, माने हमने लोन लिया है और हमने जैसे मान लीजिए कि हमने बैंक से 10 लाख का लोन लिया और बैंक वाले ने मेरे से कोई सिक्योरिटी नहीं लिया, माने कोई भी सिक्योरिटी, ये नहीं बोला कि जमीन दे दो डैट मीन्स मैं रख लूंगा, जमीन के बदले तुमको लोन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसने डैट मीन्स RTI दिया, सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया और उसने लोन मेरे को दे दिया, तो ये अनसिक्योर्ड लोन हुआ। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी की भाषा में जिसके पास कोई सिक्योरिटी ना हो। अगर आप ही किसी से पैसा लेते हो और आपने कुछ नहीं दिया, केवल एक बोल पे दिया यार दे देने यार 10 लाख रुपया मैं तुमको दे दूंगा, तो उसने 10 लाख रुपया तुमको दे दिया, तो एक तरह से तुमने अपने फ्रेंड से लोन लिया, तो वो एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है क्योंकि वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी इसी तरह से होता है बेटा। अगर हम किसी से कुछ मनी ले रहे हैं या कुछ भी सामान ले रहे हैं और कोई सिक्योरिटी हम ना दे तो डैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो उसमें आपको अनसिक्योर्ड में इंसॉल्वेंसी में क्या आते हैं, जैसे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भाषा आ रही है। तो यहां पर अगर हम किसी से गुड्स परचेस कर रहे हैं या कुछ डैट मीन्स कैश ले रहे हैं और हम उसको डैट मीन्स बीपी दे रहे हैं, तो बीपी दे रहे हैं तो बीपी एक अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट्स है। ट्रेड क्रेडिटर्स, प्राइवेट क्रेडिटर्स, प्रोमाइसरी नोट, बिल डिस्काउंटेड, लोन फ्रॉम वाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम अपने वाइफ से भी, मान लीजिए कंपनी का MD हम लोग हैं और कंपनी डैट मीन्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो हम अपने वाइफ से डैट मीन्स लोन ले रहे हैं तो वो डैट मीन्स कोई सिक्योरिटी, हम अपने रिलेटिव को कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे, अपने रिलेशन है, वाइफ मेरे क्या है, रिलेशन है, तो क्या हम अपने वाइफ को क्या सिक्योरिटी देंगे, क्या नहीं, तो लोन फ्रॉम वाइफ। और इसमें बेटा याद रखना स्त्री धन, कौन सा धन बेटा, स्त्री धन। अगर मान लो कि हम अपने वाइफ से 10,000 का लोन लिए, ठीक है, उसमें से स्त्री धन होगा मान ली 6,000 का और बाकी 4,000 का कैश होगा, तो बेटा याद रखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम वाइफ से लोन ले रहे हैं और स्त्री धन ले रहे हैं, स्त्री धन का मतलब होगा उसका जेवर हो गया, उसके ऑर्नामेंट्स हो गए। तो यहाँ पर बोला गया है इंसॉल्वेंसी अकाउंट में अगर हम वाइफ से लोन ले रहे हैं और ब्रैकेट में स्त्री धन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो स्त्री धन है उसी को हम लोग अनसिक्योर्ड माना जाएगा, बाकी कैश को हम लोग अनसिक्योर्ड नहीं मानेंगे, वो तो प्रॉपर्टी में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखना कि जब लोन फ्रॉम वाइफ से अगर हम लोग कर रहे हैं तो लोन फ्रॉम वाइफ से स्त्री धन को डैट मीन्स अनसिक्योर्ड माना गया है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट खोलते हैं हमने, डैट मीन्स लिमिट से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो ये भी एक तरह से अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड लोन। तो और एक वर्ड है विच इज नॉट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सैलरी, वेजेस, रेंट, बेटा याद रखना इसकी बात हम लोग लिस्ट डैट मीन्स डी में करने वाले हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट डी में हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिस्ट डी है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की। ठीक है, पहले समझ लीजिए क्या होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्या होता है पहले समझ लीजिए।
जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है तो कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं कंपनी को कि उन्हें पे करना ही है, प्रायोरिटी है कि उसे आप पे करके ही जाएंगे। जैसे ऑफिस के जो क्लर्क होते हैं, उस क्लर्क के ऑफिस के क्लर्क को आपको पेमेंट करना है। फिर से ऑफिस के जो प्यून हैं, जो सर्वेंट हैं, उसको भी डैट मीन्स आपको पेमेंट करना है, प्रायोरिटी है। ये डैट मीन्स टर्म है, एक्ट में बोला गया है कि जब कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो यह प्रायोरिटी है कि इसको पेमेंट किए बिना आपको जाना नहीं है, आप इंसॉल्वेंट घोषित नहीं हो सकते हैं। तो ऑफिस के क्लर्क को, प्यून को, है ना, वेजेस ये सब देना है, प्लस आपका जितना भी गवर्नमेंट का जो टैक्स है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे म्यूनिसिपल टैक्स हो, ये सब आपका क्या है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर है। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब आपको मोस्टली पेड करना है, किसी भी हालत में आपको पेड करना है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। और इसमें हमने एक वर्ड लिखा है विच इज नॉट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब वो क्रेडिटर जिसको हमको पेड नहीं किए। जैसे मान लो हम पेड नहीं करना है तो जो नहीं पेड करना उसे हम लोग अनसिक्योर्ड मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि वेजेस था 10,000, सपोज के लीजिए, उसमें से हमने 2,000 रुपया पेड किया प्यून को और बाकी 8,000 हमने पे नहीं किया, तो ये 8,000 को अनसिक्योर्ड के कैटेगरी में डाला जाएगा। उसी तरह से रेंट मान लीजिए कि 4,000 रुपया है और बोल रहा है कि इसमें 2,000 रुपया रेंट पे करना है, 2,000 नहीं पे करना है, तो जो नहीं पे करना वो अनसिक्योर्ड में चल जाएगा और जो पे करना है वो दैट मींस प्रिफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी में जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखा विच इज नॉट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, ऐसा क्रेडिटर जिसका पेमेंट नहीं हुआ है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का, उसको हम लोग डैट मीन्स लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ये सारे टर्म आपको याद रखना है कि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसी सारे टर्म दिए रहेंगे आपके क्वेश्चंस में, डैट मीन्स इसको आपको याद रखना है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, एंड द लिस्ट बी में आइए, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये क्या होता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर? फुल्ली सिक्योर्ड, फुल सिक्योरिटी है, फुल। जैसे बेटा मान लो कि हमने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपीज, ठीक है, हम लोन लेते हैं बैंक से 10 लाख और हम बैंक को 15 लाख का बिल्डिंग दे देते हैं, तो बेटा फुल्ली सिक्योर्ड हुआ कि नहीं? तो फुल्ली सिक्योर्ड का मतलब होता है कि सिक्योरिटी इज मोर देन द टेकन ऑफ लोन, माने हमने जो लोन लिया है उससे ज्यादा हो सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड। जितना का लोन लेंगे उससे ज्यादा सिक्योरिटी देंगे तो डैट मीन्स फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। अब सवाल उठता है कि सर जितना का लोन लेंगे अगर उतना ही सिक्योरिटी देंगे, 10 लाख का लोन लिया और 10 लाख ही सिक्योरिटी दिए तो फुल्ली है कि नहीं? हाँ, एकदम फुल्ली है, क्योंकि उसमें तो लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए बस। तो यहां पर हम 10 लाख का लोन लिया और हम दे रहे हैं 15 लाख का बिल्डिंग दे रहे हैं, तो 15 लाख का बिल्डिंग दे रहे हैं तो डैट मीन्स जितना का लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो बेटा ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन से पकड़ना होगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि फुल्ली है पार्सली है, आपको खुद रिकॉग्नाइज करना होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना होगा जितना का लोन लेंगे उससे ज्यादा अगर सिक्योरिटी देंगे दैट इज कॉल्ड फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो हमने लिखा है दोज क्रेडिटर हु डेब्ट्स आर कंप्लीटली सिक्योर्ड, माने जो डेब्ट है, जो लोन है पूरी तरह से सिक्योर्ड है, उसमें किसी भी प्रकार का डेट मींस कोई लोचा नहीं है। अगर वो लेके भाग भी जाएगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने सिक्योरिटी दे चुका, उससे ज्यादा का सिक्योरिटी दिया, हम उसको सेल करके पैसा वापस ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड। ठीक है, अगर आप अपने दोस्त से ही लोन लेते हैं, मान लीजिए बोले यार 10,000 रुपया दे दो, अपने दोस्त से लोन लिया और आप अपने डैट मीन्स अपने मोटरसाइकिल का पेपर उसको दे देते हो, लो पेपर ले लो, ये सिक्योरिटी के तौर पे तुमको दे रहे हैं, तो आपका मोटरसाइकिल तो उसका वैल्यू निकाला तो निकला 20,000 रुपया, तो आपने 10,000 का लोन लिया और सिक्योरिटी आपने 20,000 के दिया, तो बेटा यहाँ पर फुल्ली सिक्योर्ड है और फुल्ली सिक्योर्ड को लिस्ट बी में डिनोट करते हैं। तो पहला था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ए और दूसरा था फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट बी। ठीक है, एंड द लिस्ट सी की बात करते हैं, लिस्ट सी क्या है? पार्सल सिक्योर्ड क्रेडिटर। बेटा ये क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट, जितना का लोन लेंगे उससे कम सिक्योरिटी देंगे उसे हम लोग बोलते हैं पार्सल सिक्योर्ड क्रेडिटर, है ना। जैसे मान लो कि बेटा अगर हम 10 लाख लोन लिए और हम सिक्योरिटी 8 लाख का दे रहे हैं तो ये बेटा हो गया पार्सियल सिक्योरिटी, इसे हम लोग पार्सल सिक्योरिटी बोलेंगे। क्लियर है? मतलब पार्शियल, जितना का लोन हमने टेकन ओवर किया उससे कम का सिक्योरिटी देंगे तो वो पार्शियल सिक्योरिटी होगा, आपको क्वेश्चंस में डैट मीन्स पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई बोल देगा कि 2 लाख का क्रेडिटर है, ठीक है, और आपने डैट मीन्स 1,40,000 का बिल्डिंग दे दिया है, सपोज कर लीजिए, तो बेटा ये क्या है, 2 लाख का लोन लिया 1,40,000 का बिल्डिंग दिया तो ये पार्शियल सिक्योर्ड क्रेडिटर है। क्लियर है? तो क्लियर हो गया, इसमें लिखा है दोज क्रेडिटर हु गेट पार्शियल सिक्योरिटी फॉर लोन एडवांस बाय देम, जिसके द्वारा लोन दिया गया है वो क्या है, पार्सल सिक्योरिटी रिसीव करता है, तो ऐसे डैट मीन्स नेचर को हम लोग पार्सल सिक्योर्ड क्रेडिटर कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार बोल रहे हैं, पार्सल सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है?
जितना का लोन लेंगे उससे कम सिक्योरिटी देंगे, तो उसे हम लोग पार्सल सिक्योर्ड क्रेडिटर करते हैं, लिस्ट सी का पार्ट है। ठीक है, अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिस्ट डी, इस पर कंसर्न भी है। लिस्ट डी जैसे क्या बोला बेटा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो हमने क्या बोला कि सम ऐसे डेट मीन्स डेब्ट्स होते हैं इंटाइटल टू प्रायोरिटी ओवर द अदर डेब्ट्स टैक्स वेजेस और सैलरी। यहां पर एक्ट बोला है कि आप इंसॉल्वेंट घोषित हो गए हैं, इंसॉल्वेंट कोर्ट के द्वारा बोला गया, ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो आपको पे करना, आपको मैंने डेट मीन्स छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो जैसे मान लो कि ऑफिस में कोई क्लर्क है तो उनको सैलरी आपको देना पड़ेगा। आगे हम लोग बताएंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितना डेट मीन्स सैलरी दिया जाता है। वेजेस को डेट मीन्स आपको सैलरी देना पड़ेगा। उसी तरह से प्यून को भी है डेट मीन्स सर्वेंट है, आपको उन लोगों को वेजेस आपको देना पड़ेगा। डेट मीन्स ये लिस्ट डी बतलाता है। टैक्स, किसी प्रकार का टैक्स है गवर्नमेंट का, चाहे म्यूनसिपल टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो या इनकम टैक्स हो, आप उसको दिए बिना आप इंसॉल्वेंट घोषित नहीं हो सकते। तो जो एक्सपेंस डेट मीन्स इंसॉल्वेंट के बाद भी देना है, जो एक्सपेंस मतलब इंसॉल्वेंट के बाद भी अगर उस कंपनी को पे करना है, तो ऐसे डेट मीन्स लाइबिलिटीज को हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। याद रखना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्रायोरिटी है, आपको देना ही है तभी जाके कुछ होगा। तो ये इसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट डी में जाएगा। तो ये टोटल जितना था लिस्ट ए से लेकर लिस्ट डी तक, वो लाइबिलिटीज का पार्ट था बेटा। किसका पार्ट था? लाइबिलिटीज का पार्ट था। ठीक है, अब लिस्ट ई में, तो लिस्ट ई में प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को दो तरह से रियलाइज किया गया है। प्रॉपर्टी को दो तरह से, एक टोटल वैल्यू दिखाना है और दूसरा रियलाइज वैल्यू दिखाना है। याद रखना बेटा, एक टोटल वैल्यू और दूसरा क्या, रियलाइज वैल्यू। यहां पर टोटल वैल्यू, जितना टोटल वैल्यू होगा उसको दिखा देंगे, और एक रियलाइज वैल्यू। ये रियलाइज वैल्यू का मतलब, जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग है 10 लाख का बिल्डिंग है और रियलाइज हुआ है डेट मीन्स 8 लाख, तो टोटल वैल्यू में हम 10 लाख दिखाएंगे और रियलाइज वैल्यू में 8 लाख रुपया दिखाएंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट ही का पार्ट है। जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कैश हो, बैंक हो, डिवेंचर्स हो, शेयर्स हो, ये सारा प्रॉपर्टी लिस्ट ही में जाएगा, जितना प्रॉपर्टी है, जितने भी एसेट्स हैं। ठीक है, लिस्ट डेब्ट की बात करते हैं, तो इसमें बुक डेब्ट मतलब डेटर को दिखाया गया है। बुक डेब्ट का मतलब बेटा डेटर है ना, डेटर को दिखाया गया है। तो पता बेटा, याद रखना, जो हमारे देश में जो डेटर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक डेटर बहुत ही अच्छे होते हैं, आपको बोलने का जरूरत नहीं, वो पैसा आपको पहुंचा देंगे। दूसरा डेटर डाउटफुल होते हैं, आपको डाउट है, फिर सामान बेच रहे हैं फिर भी डाउट है आपको, फिर भी सामान बेच रहे हैं कि मेरा पैसा कहीं लेके भाग तो नहीं जाएगा। डाउटफुल मतलब कि मैंने अगर 10,000 का सामान बेचे हैं तो डाउट है कहीं मेरे को 8,000 तो नहीं देगा, डाउट है कहीं मेरा 7,000 नहीं देगा, तो डाउटफुल डेटर्स हुए। और एक होते हैं बैड, पूरी तरह से खराब, पूरी तरह से खराब। हमने फॉर्मेट में दिखाया किसको किसको कैसे शो करना है। पूरी तरह से खराब मतलब पूरी तरह से डेट मीन्स डूब जाना, मेरे को लगता है वो वापस आएगा नहीं पैसा, उसको बोलते हैं बैड। लिस्ट एफ, लिस्ट जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जहां अगर आपके क्वेश्चंस में बिल्स रिसीवेबल अगर हो जाएगा तो समझ जाना बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और लिस्ट एच बेटा बैलेंसिंग फिगर है, ये डिफिशियंसी अकाउंट है। और डिफिशियंसी अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। और हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि डिफिशियंसी अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर डिफिशियंसी अकाउंट, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए से लेकर एस तक पूरा लिस्ट एक्सप्लेन हो गया। फिर से बता दें, लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, लिस्ट बी में आपका फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है, लिस्ट सी में आपका पार्सल सिक्योर्ड क्रेडिटर है, लिस्ट डी में आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। अब ये पूरा लायबिलिटी कंप्लीट। एसेट साइड में क्या है, लिस्ट ई प्रॉपर्टी, लिस्ट एफ बुक डेट, लिस्ट डेट मीन्स जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड लिस्ट एच डेट मीन्स डिफिशियंसी। इस प्रकार से बेटा आपका सारा लिस्ट कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट अफेयर्स का एक्सप्लेन हमने कर दिया। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसका नोट्स आप लोग बना लेना। जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार है, मेरा आई बटन में देखना, उसमें दिया होगा इंसॉल्वेंसी अकाउंट डेट मीन्स लेक्चर वन, उस लेक्चर वन को पढ़ना और इसके बाद इसको भी पढ़ना। इसके बाद क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से इंसॉल्वेंसी अकाउंट समझ में आने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।